ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी का हलवा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लौकी को इस वाली छलनी से बारीक बारीक कट कर लिया उसको छीलने के बाद। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने इस कढ़ाई में भूना, कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ लौकी को। और लौकी को ज़्यादा देर डाल के आप रखिए मत, क्योंकि वो फिर काली हो जाती है ज़्यादा देर, मतलब छीलने के बाद उसको छोड़िए मत। कढ़ाई में मैंने उसका पानी पूरा सुखा लिया और फिर मैंने इसमें डाला था। जब वो पेस्ट सूख गया था उसके बाद मैंने इसमें डाला है दूध। अगर आपके पास मावा है तो फिर आप कम दूध लीजिए सिर्फ लौकी को पकाने के लिए, और अगर आपके पास मावा नहीं है तो फिर आप ज़्यादा दूध लीजिए। तो मेरे पास मावा नहीं है तो मैंने क्या किया कि मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, और उसी दूध को, देखिए थोड़ा यहाँ पे गिर भी गया है, तो इसके साथ पकाएंगे हम लौकी के साथ। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये देखिए यहाँ तक भरा हुआ था ये दूध से, और इसको पक पक के ये इतना कम हो गया है। तो आपको इसको 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है, जैसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ ऐसे चलाते रहना है इसको। और उसके बाद ये जब अच्छे से पक जाएगा, देखिए मैंने फ्लेम भी देख लीजिए आप इतना रखा है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पे ये जल जाएगा। और मैं इसको 5 मिनट और चलाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चीनी, और वो चीनी जो पानी छोड़ेगी उसको भी इसी में, अब जब जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं उसको पकाती जाऊंगी। और जब वो पक जाएगा तो उसके बाद मैं डालूंगी घी, और उस घी में इसको पकाऊंगी, और साथ में ही डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वो डाल दूंगी और वो जब अच्छे से पक जाएगा और वो घी छोड़ देगा तब तक मैं उसको पकाऊंगी। तो ये आपका बिल्कुल हलवा तैयार हो जाएगा, दिखाऊंगी मैं आपको।